मैं संगीता आज आपके लिए नान बनाना सिखाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए नान की रेसिपी लेके आई हूँ और बिना ओवन के और हमारे घर वाले तवे के ऊपर ही मैं आप लोगों को ये नान बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। इससे इसका जो क्रिस्पनेस है वो बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और साथ में हम डालेंगे घी मोइन के लिए, 1/6 चम्मच चाहिए तो आप 3 चम्मच है वो आप इसके अंदर मोइन डाल सकते हो। और चुटकी भर हम डालेंगे इसमें, पिंच करके ही भरेंगे और चुटकी भर डालेंगे मीठा सोडा। तो अब इसका दूध के साथ बढ़िया सा आटा तैयार करेंगे। पहले इसको हम मैश कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये सारी इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर अच्छे से मिल जाए और आपकी जो नान है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो जाएगी। तो ये सब मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा लगाएंगे, कोई अलग आटा नहीं लगाना है इसका। अब हमने दूध लिया है, पानी से आटा नहीं लगाएंगे, दूध से ही आटा लगाएंगे ये ताकि इसमें सॉफ्टनेस है वो अच्छी बने, होटल जैसी बनेगी एकदम से। आटा हमारा तैयार हो रहा है। ये आटा लगाने के बाद में इसको हम 10 मिनट है वो रेस्ट करने के लिए डाल देते हैं। हम नीचे भी इसका आटा, इस स्लैब के ऊपर भी आटा है बहुत अच्छा लग जाता है एकदम, उस पर भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी आटा इसका तैयार कर सकते हो। और 10 मिनट है इस आटे को हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। आटे को मैंने 10 मिनट रेस्ट दे दिया है, आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको नीचे डाल के और अच्छे से घी लगा के और 1-2 बार और मथ लेंगे। इससे क्या होता है कि आटा ना बड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ये हमारे हाथों की एक्सरसाइज के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से मलार लगा लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है आटा, एकदम सॉफ्ट तैयार है हमारा। आज मैं आप लोगों को 2 तरीके के नान बता लूँगी, एक सिंपल नान और एक बटर नान। तो दोनों तरीके की नान आप देखना। अब ये मेरा आटा है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं और थोड़ी सी सूखी मैदा है वो भी रख रखी है। इस तरीके से अब हम ये पेड़े बना के रख लेते हैं। इस आटे में 6 पेड़े बन गए हैं मेरे, 6 नान है वो बन जाएगी आराम से। इसको भी हम 2 मिनट है वो इसी तरीके से रेस्ट दे लेते हैं ताकि नान है वो बेलने में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम अपना तवा है वो इसके ऊपर रखते हैं। ये तवा चिकना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो नान है वो हमारी इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। अब हम थोड़ा सा आटा है मैदा वाला आटा ये हम नीचे रख लेते हैं और अब हम नान को बेलेंगे। नान को इस तरीके से हम लंबी बेलेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है इसको, पतली रखनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर थोड़े कलौंजी के दाने डालेंगे और थोड़ी सी हमारी धनिया पत्ती है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब हल्के हाथ से थोड़ा सा, 1 बार बेलन है इसके ऊपर हम इस तरीके से घुमाएंगे ताकि ये हमारे इस नान के ऊपर चिपक जाए। अब हमें इस तरीके से इसको उल्टा पकड़ना है
और इसके पीछे की साइड है वो हमें पानी लगाना है। यही सिंपल वाला ही पानी है क्योंकि इसको हमें तवे के ऊपर चिपकाना है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के और इस तवे के ऊपर ये नान को चिपका देते हैं। अब ये नान है इसके ऊपर पूरी तरीके से चिपक जाएगी। फिर इस तवे को ही हम उल्टा करके और फिर हम नान को पलट देंगे। अब हम दूसरी नान बेल के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये मैं आपको बटर नान जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं उस हिसाब से मैं आपको ये वाली नान है वो बताऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी इसको पतली बेला है और थोड़ा ज़्यादा इसको फैला दिया है क्योंकि इसमें थोड़े से लच्छे हैं वो हमारे इस स्टफ़ नान के अंदर है वो अच्छे तरीके से बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से बेलने के बाद है ना इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाना है। बटर नहीं हो तो आप घी भी लगा सकते हो। और फिर थोड़ी सी सूखी मैदा है वो इसके ऊपर छिड़कना है। और अब थोड़े से कलौंजी वाले दाने हैं वो भी आप इस पे डाल सकते हो। और साथ में ये धनिया पत्ती है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ये नान है वो एक साइड से हमारी सिक गई है। अब हम इसको कपड़े से पकड़ के और इसको तवे को इस गैस के ऊपर उल्टा कर देंगे इस तरीके से। अगर ये उतर जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डाल के इस तरीके से सेक सकते हैं। अगर चिपकी रहती है तो इसको उल्टा करके सेक लेते हैं। अगर ये चिपकी नहीं रहती है उतर जाती है तो इसको हम हल्का हल्का करके इस तरीके से सेक के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड में कितना बढ़िया कलर आ गया है और दूसरी साइड भी है वो हमारी नान है वो बहुत ही अच्छी बढ़िया सिक जाती है। ऊपर से जो गार्निशिंग हमने इसके ऊपर की थी वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर घी है वो लगा लेते हैं। अब ये दूसरी नान है वो आपको मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आपको एक इधर और एक इधर ये पट्टियों को आपस में फोल्ड करना है। देखिए जिस तरीके से बच्चों को पंखा बना के देते थे ना उसी तरीके से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। ये धनिया पत्ती हम इसी में ऐड करते जाएंगे और साथ में इसको हम इस तरीके से रोल बना लेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट है ये इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से दबा देंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। जो पहली वाली नान बेली है उसी तरीके से हम इसको पूरा दबा के बेलते जाएंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे वरना हमारे जो लच्छे बनाए हैं वो लच्छे हैं इस तरीके से दिखाई नहीं देंगे। आप मोटी पतली अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं होनी चाहिए वरना नान है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। और वैसे ही पानी लगाना है। ये हमने पानी लगा दिया है और गरम तवा है इसको ऊपर ही हम अच्छे से दबा के और इसको चिपका देंगे। नान को आप किसी भी सब्जी के साथ पनीर की सब्जी के साथ दाल फ्राई के साथ आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ऊपर से उतर गई है
अगर उतरती नहीं है तो तवे को उल्टा करके सेक लेते हैं, और वरना हम इसी तरीके से इसको सेक लेते हैं। अब ये दूसरी नान मैंने बेल के वैसे ही तैयार कर ली है, और इस पे भी हम पानी लगा लेंगे और इस तवे पर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए ऐसे भी बढ़िया सिक जाती है, एक साइड तवे के ऊपर सिकती है और दूसरी साइड आप ऐसे नीचे रख के और इसको अच्छे से सेक सकते हो। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है हमारी। अब हम इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा देते हैं। आपको इस नान की जो लाइनें हैं वो दिखाई दे रही है, इसको मैं थोड़ा क्रश करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे दोनों साइड में, तो देखिए ये पूरे के पूरे लच्छे हैं, आपको अलग अलग करके दिखाई दे रहे हैं। तो ये नान भी हमारी बहुत अच्छी टेस्टी बैठती है। तो आप देख सकते हो कि हमारे किस तरीके की नान ये तैयार हुई है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट बैठता है इनका। आप एक बार बना के देखना कि ये नान कैसी लगी है आपको। और प्लीज़ आप मेरे अगर चैनल पे नए हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी ही वीडियो देती रहूं। ओके, ऑल द बेस्ट।